सो हैव यू सर, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज मैं वॉरफेस फर्स्ट डिवीजन खेलने वाला हूँ, जो कि एक बहुत ही अच्छी शूटिंग गेम है एंड इसका डायरेक्ट कंपैरिजन कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल और मॉडर्न वॉरफेयर वॉर जोन सबसे ज़्यादा जो है उसके साथ मैं इसको कंपेयर करने वाला हूँ, क्योंकि उसके अंदर जो है टीडीएम टीम डेथ मैच काइंड ऑफ मैप्स और डोमिनेशन काइंड ऑफ मैप्स जो हैं उसके अंदर जो हैं काफ़ी ज़्यादा हैं। एंड लाइक अब तो नहीं है, अब तो खैर उन्होंने वो चेंज कर दिए, दूसरी कॉल ऑफ ड्यूटी एक आई थी। Currently I'm talking about Cold War because TDM matches were transferred to this game instead of Warzone. Okay, तो ये है इसकी लॉबी, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो ज्वाइन अवर सोशल नेटवर्क, फिर ये ऑप्शन से सेटिंग, हेल्प और क्विट। यहाँ पे इनका स्टोर है, आइटम शॉप है, PS4 के टूर्नामेंट्स होते हैं वो है, बैटल पास है। बैटल पास दिखा देता हूँ बिकॉज जो बैटल पास है वो लोग काफ़ी जो है वो देखते हैं। अगर बैटल पास की मैं बात करूँ ना, तो इसके अंदर ये बैज है सिर्फ, ठीक है, बैटल पास के अंदर। और ये VIP बूस्टर, ऐसे आप मैच जीते हो ना तो चीज़ें मिलती हैं। और ये एक पिस्टल अनलॉक होता है आपके, इसके अंदर आपको ना गन अनलॉक करनी होती है जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी में होता है। एंड या ये सब बैटल पास फजूल है, आई थिंक कॉल ऑफ ड्यूटी का बैटल पास जो है वो बेटर है इससे। एंड ये डेली मिशंस है यहाँ पे आपके, ठीक है, सामने, ये कॉल ऑफ ड्यूटी से बेटर है। मुझे कॉल ऑफ ड्यूटी की डेली मिशन वाली चीज़ जो है वो समझ नहीं आती सही तरह, खैर समझ आती है बट लाइक आई डोंट लाइक इट। यहाँ से आप क्लान जो है ज्वाइन कर सकते हो, बट वो रैंक 10 पे होता है। और मेरा रैंक जो है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यस मेरा रैंक 6 सोल्जर है, मेरा रैंक 10 होगा फिर मैं किसी क्लान में जा सकता हूँ। खैर एंड या PVP वॉन लॉस 6 मैंने विन किए हैं, 5 लूज किए हैं। किल टू डेथ रेशियो 0.95, यार ये बहुत हार्ड गेम है, ठीक है, डोंट लाफ एट मी, इट्स रियली हार्ड। एंड एक दफ़ा मैं सेटिंग्स दिखा देता हूँ इसकी, ये कंट्रोल सेटिंग है, जायरोस्कोप भी आप कर सकते हो लाइक इस तरह, ठीक है, कंट्रोलर से। बटन लेआउट मैं नहीं दिखा रहा, उसका किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये काफ़ी ज़्यादा आप अपने क्रॉसर सेलेक्ट कर सकते हो, मैंने ये वाला सेलेक्ट किया है बिकॉज नॉर्मली यही सब यूज़ करते हैं क्रॉसर, बट आई थिंक मैं अपना क्रॉसर थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। ये क्रॉसर ना नज़र नहीं इतना आता नाइसली ना, तो यस इस क्रॉसर को मैं ये सर्कल वाला कर रहा हूँ, ये जो उसमें होता है क्या कहते हैं ये GTA 5 जो जो खेलता है, अगर वो सिंपल रेटिकुल से कॉम्प्लेक्स कर देना तो फिर इस तरह का आपके गन फायर वाला क्रॉसर होता है। ब्राइटनेस 50%, और ये सारी इसकी जो हैं आप लोगों को मिल जाती हैं ग्राफिक्स वाली चीज़। और क्रॉस प्लेटफॉर्म मैच मेकिंग इस गेम के अंदर PC प्लेयर्स Xbox प्लेयर्स दोनों आपको मिलने वाले हैं। इनहेंस रेजोल्यूशन ये चीज़ है कि जो आपके सुपर सैम्पल कर देती है, अगर आपकी डिस्प्ले जो है वो 2060 है ना, उसको रेंडर करके 4K तक जो है ना उसको अपस्केल, मतलब अपस्केलिंग ही है सिंपली। एंड ये वॉइस इसका मतलब है कि किसी और से बात कर सको। खैर मैं कुछ मतलब ये तो मैं कर ही नहीं सकता बिकॉज इस हेडफोन के अंदर माइक ही नहीं है, फिर भी टेस्ट तो दिखा क्लिक करके देखता हूँ क्या क्या होता है। देखा टेस्ट नहीं हो रहा, तो ये मैं बंद ही कर देता हूँ, ऐसे कोई लोग ना बोल रहे हो बीच में। तो अभी प्ले करते हैं और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, वर्सेस के अंदर इसके अंदर फ्री फॉर ऑल है, जिसके अंदर आप सोलो होते हो और आपको सबको मारना है, ठीक है। एलिमिनेट द एनिमी टीम, ये टीम डेथ मैच, ठीक है, ये मेरा फेवरेट। लाइक आप 8 बंदों की उनकी टीम होती है। यार मुझे स्नैप्स भेजने बंद करो, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, एंड ये सबको ही पता है बैटल रॉयल। एंड ये बैग एंड टैग, ये जो भी है आप लोग खुद पढ़ लेना क्योंकि मैं कभी नहीं खेला। ये प्लांट द बॉम्ब, ये एनिमी की जो बेस है उस पर बॉम्ब प्लांट करना होता है। और ये एनिमी से ना वॉर हेड एक ब्रीफकेस चोरी करके ना आपको सेफली डिलीवर करना होता है अपनी बेस पे। एंड ये ऐसा कि आपने बॉम्ब डिफ्यूज़ करना होता है टाइम रन आउट में, मतलब टाइम होता है आपके पास एक और आपने बॉम्ब डिफ्यूज़ करना होता है। आई थिंक आपकी फ़ाइट भी हो रही होती है लोगों के साथ। एंड ये स्टोर में, ये भी मैंने नहीं खेला तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। और ये जो स्टैंडर्ड है, आप इसके अंदर अपने रूम्स बना सकते हो, रूम्स की ज़रूरत नहीं है आपको, बस आप वैसे ही रूम बना सकते हो। वन, देखो मैं पबजी को बीच में लाना चाहता हूँ, तो 3 जो है अलग अलग मैं उनको डिवाइड करने वाला हूँ। पबजी को मैं अभी तक इस गेम के मुकाबले में ना जो पॉइंट्स हैं वो नहीं दे रहा कुछ भी अभी किसी भी चीज़ में। इस गेम को जो है मैं 1 पॉइंट दे रहा हूँ कि आप रूम बना सकते हो बगैर किसी इशू के। कॉल ऑफ ड्यूटी में भी आई थिंक रूम जो है आप बना सकते हो बगैर किसी इशू के, तो मतलब 1-1 टू कॉल ऑफ ड्यूटी एंड 1 टू दिस, एंड पबजी हैव 0। स्पेक ऑप्स जो है इसके अंदर आप बहुत ही मज़े का स्पेक ऑप्स, ठीक है, ये चीज़ है, आप किसी भी रैंडम प्लेयर या अपने दोस्त के साथ जो है ये आप खेल सकते हैं प्राइवेट करके। मिशन हैं ये 2 बंदों के ना, तो ये बहुत मज़े के मिशन है। ये हाइस्ट है, ये मैं नहीं कर रहा आज, ये बहुत मुश्किल हाइस्ट है, मैंने 2 दफ़ा ट्राई किया और मैं नहीं कर पाया। आपको मतलब एक बैंक रेड करना होता है, लूटना होता है सिंपली। एंड ये को ऑप है,
ये तो आपको पता ही है कि खुद आपने मिशंस करने होते हैं। तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों में ना ये गेम कॉल ऑफ ड्यूटी जो है मुझे उससे बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है। तो इस चीज़ में तो है ये गेम बहुत आला लग रही है मुझे, बिकॉज इसके अंदर स्पेक ऑफ्स भी है, कोऑप्स भी है, और फिर रैंक वर्सेस भी है। बट आज हम टीम डेथ मैच खेलने वाले हैं, टीम डेथ मैच के काफ़ी ज़्यादा मैप्स भी हैं इसमें। मैं एक दफ़ा मैप दिखा देता हूँ। यस, अब अगर यहाँ पे जाओगे ना आप टीम डेथ मैच में, अब ये सारे आपको मैप्स नज़र आ गए। कितने सारे मैप्स हैं, तीन मैप्स जो हैं ये अभी जो हैं लॉक्ड हैं। तो यस, ये अभी तक नहीं इन्होंने ओपन किए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 टीम डेथ मैचेस के मैप हैं। एंड ठीक है, और मैं आप लोगों को अगर यहाँ पे गन गेम आप खेल सकते हो तो मैं वो भी चेक करके बता। यस, गन गेम में ये तीन है, ठीक है, एंड डोमिनेशन में ये तीन मैप्स है। बट लाइक तीन डेथ मैच में बहुत सारे मैप्स हैं इस चीज़ के अंदर। स्पेकॉस वारी और ये सब कुछ अगर मैं इकट्ठा करूँ ना, तो इसको मैं दो एक्स्ट्रा और पॉइंट देता हूँ। इतने मैप्स ना पबजी में ना कॉल ऑफ ड्यूटी में, और इतने स्पेकॉप्स वाली चीज़ें और कोप वाली चीज़ें भी नहीं है उन गेम्स में। तो इसके अंदर मैं जो है इसको 3 पॉइंट दे रहा हूँ, 1 to कॉल ऑफ ड्यूटी, 1 to क्या कहते हैं पबजी, बिकॉज जो सिंपल सी चीज़ है ना, उनके मैप काफ़ी अच्छे डिटेल्ड हैं जो बैटल रॉयल के हैं। और इसके बैटल रॉयल के मैप आप अभी तक मैंने नहीं देखे और यहाँ पे शो भी नहीं हो रहे। लेट्स गेट इनटू द टीम डेथ मैच। ओ, एक दफ़ा मैं प्रीसेट आप लोगों को दिखा दूँ इन्वेंट्री से ना अपने। तो इसमें जो राइफल मैन है ना, मतलब जो AR वेपन्स यूज़ करे या आपकी मर्जी, तो इसमें से जो है ये पहले प्रीसेट में मेरे पास M4A1 है, दूसरे पे ये गन है, तीसरे पे मेरे पास ये गन है। एंड ये सब आप लोग कंपेयर कर सकते हो। आर्मर भी इसके अंदर आपको मिलता है जैसे आपको कॉल ऑफ ड्यूटी में मिलता है। मेडिक जो है इसके पास जो है शॉट गन से काफ़ी ज़्यादा, और मैंने इतने कुछ सिलेक्ट नहीं किया बिकॉज मुझे पता भी नहीं है कि ये है क्या चीज़। तो यस, एंड इंजीनियर जो है ये UMP के लिए UMP यूज़ करता है, एंड यही 1, 2, ठीक है, दो ही गन्स हैं। और स्नाइपर में मेरे पास बहुत सारी गन्स हैं क्योंकि मैं स्नाइपिंग बहुत अच्छी मतलब करता हूँ इस गेम में, मुझे मज़ा आता है स्नाइपिंग करने में सबसे ज़्यादा। और SED जो है ये है मशीन गन यूज़ करने वाला। तो यस, बट मैं जो है राइफल मैन बन के खेलूँगा। तो टीम डेथ मैच में चलते हैं, इसके बाद जो है मैं स्नाइपिंग करूँगा किसी और मैप में। पहला मैच स्टार्ट कर दिया मैंने, मैच मेकिंग वाले में एरिया में आ गए। आई थिंक ये वाला जो रेटिकुल है काफ़ी वाला है। ये मुझे कोई बता सकते हैं लगती क्यों नहीं है गोलियाँ? मैप फाउंड हो भी गया इतना जल्दी। अच्छा, एक और चीज़ मैं बात बता दूँ, PS4 पे इतने लोग इस गेम को नहीं खेलते, तो आप अगर मैच मेकिंग कर देते हो ना उस पर क्या कहते हैं, वाह भाई कितने बंदे मार दिए मैंने बातों ही बातों में। तो अगर आप PS4 से वो कर देते हो ना क्रॉस प्ले ऑफ, तो फिर बहुत मुश्किलों से मैच आपको मिलता है, या फिर मिलना ही नहीं है क्योंकि बहुत कम लोग PS4 पे ही खेलते हैं, ज़्यादातर Xbox और PC पे खेलते हैं लोग ये। एंड ये फ्री गेम है, सबसे बड़ी बात पबजी जो PC है वो अब जाके फ्री हुई है, एंड कॉल ऑफ ड्यूटी की तो सिर्फ मॉडर्न वॉरफेयर अगेन आई मीन वॉर जोन, उसमें बैटल रॉयल जो है वो ही फ्री है सिर्फ, और कुछ है ही नहीं। तो मैं इसके अंदर इसको 2 पॉइंट्स और देना चाहता हूँ उन दोनों को 1-1, बिकॉज वो जैसी भी हैं पबजी ने फ्री कर दी इसलिए उसको 1 पॉइंट, एंड जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसको मैं 1 पॉइंट दिया तो है, बट मैं उसी 1 पॉइंट को वापस ले रहा हूँ। पता है क्यों? मैं रीज़न बताता हूँ। वो 1 पॉइंट जो मैंने उसको दिया था वो इसलिए दिया था क्योंकि उसके अंदर TDM आप वो लोग फ्री देते थे। अब आप अगर मॉडर्न वॉरफेयर खेलते हो ना तो आप उसके अंदर TDM खेल नहीं सकते, वो उन्होंने अगेन आई मीन कोल्ड वॉर जो भी कॉल ऑफ ड्यूटी आई थी ना, मुझे नाम भूल गया यार, नाम भूल गया मुझे उसका, मैं नीचे यहाँ पे नाम लिख दूंगा, ठीक है। तो उसका जो उसको आपने बाय करना है तब जाके आप टीम डेथ मैच खेल सकते हो, तो वो बहुत गलत चीज़ है, वो मैं बिल्कुल नहीं सपोर्ट करने वाला। ओहो, स्नाइपर स्नाइपर स्नाइपर, ये भाई तुम AR हो, ये स्नाइपर है, वो स्नाइपर है, कितने लोग स्नाइपर है, मैं जा रहा हूँ भाई। यार एक चीज़ में मैं कहना चाहता हूँ इस गेम में ना होना चाहिए था कि आप अपना FOP बढ़ा सको। देखा ये कितनी मुश्किल गेम है, ये बात कर रहा हूँ मैं, इसमें एम लेना ही बड़ा कुछ इनसेन काम है। यहाँ पे किसी ने हमारे टीममेट को मारा, पीछे भी मारा, पीछे ही मारा, पहले पीछे चलते हैं। मेरी एम सेंसिटिविटी मैंने ज़्यादा करनी है यार, ये बहुत कम है। ओए यार, यस स्पॉन,
यार मेरे साथ कोई टीममेट यहाँ पे स्पॉन होता है ना तो मैं वेट करता हूँ, या फिर नहीं हमारा एक टीममेट मरा है ना अभी। हाँ आओ भाई जल्दी आओ जल्दी आओ, या ऊपर चलते हैं ऊपर चलते हैं। हाँ लेट्स गो, मुझे भी यस। तो ये चीज़ भी बड़ी मजे की लगती है मुझे इसमें, बट और भाई इधर 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 यहाँ से हम लोग। ओ ये ओए रुको, मैं अब स्नाइपर लेना ही पड़ेगा मुझे स्नाइपर। ठीक है तो मैंने स्नाइपर पे सेट कर लिया, आपने ऑप्शन दबा के R1 करना होता है। मैं अभी 7 सेकंड में मैं स्पॉन हूँगा, मैं स्नाइप करता हूँ। ये बहुत ही क्या कहते हैं ना, फ्री हो गया बंदा। रुको यार मुझे भी ऊपर जाना है, तो ये सारे ही ऊपर चढ़े हो गया। हेलो कोई तो नीचे रहे, ऐसे तो सब मर जाएंगे ना, 2 सेकंड में सब मर जाएंगे। एंड वो स्नाइपर, ओए यार आई थिंक मुझे अपना थोड़ी अच्छी स्नाइपिंग करनी है, बिकॉज वो तो बड़ी अच्छी तरीके से मार रहे हैं, मैं भी अच्छी स्नाइपिंग करता हूँ। रुको जरा, मैंने फायर तो दिया बट वो बच गए हैं। बंदे नीचे हैं जो नज़र नहीं आ रहे मुझे। एक मिनट, उधर तो कोई नहीं है जो मुझे मार रहा ब्रो। यहाँ पे नीचे लोग हैं ना, नीचे ये जो है इसको मैं मारता हूँ। रुको जरा, भी नहीं है कहाँ पे भाई, क्या कर रहे हो तुम? इसको मैंने जिस इतनी गंदी जगह पे वैसे मारा है ना। स्नाइपर ये जिंदा है ना? अच्छा नहीं, डेड है बेचारा, मैं जिंदा समझ के मार। यार मुझे भी किल लेने दो कोई। इसने कैसे मारा मुझे ये तो? हेलो भाई आ रहा हूँ मैं इनको नहीं छोड़ने वाला, ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा खेल रहे हैं। उनके 44 किल्स हैं, हमारे 44 है, उनके 40 हैं। एक मिल गया, एक किल मिल गया। लेट्स सी बंदा आ रहा है। ओके मैं जा रहा हूँ, मुझे जाना है। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना। ओए यार लेट्स गो, हेडशॉट लगी, हेडशॉट पे डेड होता है बंदा। ओए यार इट्स सो डिफिकल्ट टू एम, लिटरली मेरे पास स्कोप नहीं है ना, क्योंकि मैं अभी इतनी गेम में इन नहीं हूँ। मैंने मतलब बहुत कम खेली है इससे, तो मेरे पास स्कोप नहीं है, तो मैं मतलब उसको मार नहीं पा रहा इजीली। मेरे पास स्कोप होता ना 1x क्या होता है 2x या 3x, फिर मार लेता। मैं जहाँ से जा रहा हूँ ना, इसकी गन उठाओ, मेरे पास कुछ भी नहीं है ब्रो। यार मुझे ही मारती है यार, प्लीज ध्यान से। थैंक यू, तुम आगे जाओ भाई। लेट्स गो, मैं बहुत इस टाइम ना डर गया, क्योंकि हम उनके घर में हैं लिटरली, वो कभी भी आगे मार देंगे। ओ ब्रो सही है, गुड। अच्छा मेरी 5th पोजीशन है, मेरे कितने किल थे? 12 भाई, नंबर 143 की हैं। अगर सारे इतने प्रो हों के 28 करें, जिस तरह 8 बंदों की जगह है तो 8v8 ही है ये। 8v8 यार अनदर पॉइंट टू दिस गेम, क्योंकि 8v8 जो पबजी का है वो तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, उसमें फ़न नहीं हो सकते आप बस रेज क्विट करोगे। कॉल ऑफ ड्यूटी अगेन पैसे देने पड़ेंगे, तो नहीं कोई पॉइंट नहीं, इसको 2 पॉइंट्स बिकॉज कॉल ऑफ ड्यूटी को पॉइंट नहीं मिला। तो यस स्नाइपर बनना है मैंने, एंड आई डोंट थिंक मैं अच्छा उन लोगों की टीम में कित अच्छा मुझे उस टीम में भेज दिए बिकॉज लोग मैनेज कर रहे हैं ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 लोग हो गए, लेट्स गो। बंदा
ब्रो ये कहाँ से आया है कुछ पता ही नहीं था मुझे। ओए साइड पे हो इधर ही रहते हैं क्योंकि वहां से अगर गया है तो मैं मार लूंगा उसे। मेरे पास नेट नहीं है सही। यार अच्छा खासे किल मिल रहे थे मुझे क्या यार सब रुइन कर दिया तुमने है। आगे आने दो इसको यार आगे क्यों नहीं आया ये इसको आगे आने दो एक ये पता चले ऊपर से आगे मारे ग्रेनेड आउट बोल दिया मैंने। अबे दो दो यार यहाँ पे आओ जल्दी कैंपर 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 इसको किसने मारा है। आई एम सेकंड मेरे 13 किल से हो गया शुक्र है सेकंड तो आया। अगला मैच मैं नहीं खेल रहा तो यस यहाँ पे मैं रिवेंट कर रहा हूँ। आई डोंट नो कितने पॉइंट्स पर जिसके सबसे ज्यादा हूँ आप लोगों को पता चल जाएगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए हाफिज़ ब्रांगर 25 आउट।